नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 से 7 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें ये राशिफल आपका चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपका चंद्रमा 8 नंबर के साथ लगन कुंडली में किसी भी भाव में स्थित है तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं चंद्रमा का जो गोचर रहेगा 1 और 2 सितंबर को। चंद्रमा 1 और 2 सितंबर को कुंभ राशि में गोचर करेंगे जो कि आपके राशि स्थान से चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा के होने से माताजी के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, माताजी का अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, घर का माहौल काफी अच्छा होगा, घर पर कोई जरूरी काम है वो आप कर सकेंगे। आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आपके लिए ये जो समय है शुरुआती 2 दिन का वो विशेष रहेगा, घर का माहौल आपको काफी पसंद आएगा, घर के साथ आपका लगाव भी काफी अच्छा रहेगा। इसी के साथ यहाँ से चंद्रमा दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव को देखने से जिन जातकों को जॉब की प्राप्ति नहीं हो रही है उनके लिए जॉब के रास्ते खुलेंगे। आप बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, अब आपको आपकी मेहनत का फल मिलने लगेगा। साथ ही जो जातक पहले से ही जॉब कर रहे हैं उनके प्रमोशन के चांस बन सकते हैं, और जिनका अपने बॉस से झगड़ा चलता हो उनका झगड़ा बंद हो जाएगा और बॉस से आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थितियां आपके लिए रहेंगी। तो ये जो शुरुआत होगी आपकी ये आपके प्रोफेशनल करियर को एक नई ऊंचाई पर लेकर जा सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो चंद्रमा 3, 4 और 5 सितंबर को मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे जो कि आपके राशि स्थान से पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे होंगे। पंचम भाव में ट्रांजिट रहने से संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी मिलेगी, प्रेम संबंधों में अच्छा रहेगा। पहले से प्रेम संबंध है तो और भी अच्छा रहेगा, अगर प्रेम संबंध आपके नहीं है तो नई शुरुआत आप कर सकते हैं। इस समय में आप भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों के साथ जुड़े होंगे, आप अपनी संतान के साथ भी इसी प्रकार के भावुकतापूर्ण संबंध रखेंगे। साथ ही आपका जो दिमाग है उसमें विचारों का बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, यानी आपके माइंड में विचार काफी होंगे और लेकिन आप उनमें से किसी एक विचार पर फोकस नहीं कर पाए। ये समय आपके एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, आप एजुकेशन में कोई बदलाव चाहते हैं तो वो इस समय में आप कर सकेंगे। यहाँ से चंद्रमा देखेंगे आपके लाभ स्थान को। लाभ स्थान को जब चंद्रमा देखेंगे तो धन संबंधी काम नहीं अटकेंगे, कोई इच्छा पूर्ति आपको करनी है अपनी, जैसे धन संबंधी कामों में या कोई और इम्पोर्टेंट काम जो आपका अभी तक नहीं हुआ जिसको करने की आप बार बार कोशिश कर रहे थे वो इस समय में हो सकेगा। इस समय में आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा करेंगे, और हो सकता है वो सभी दोस्त आपके गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं लिंक हो वो, या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हों। इस समय में आपको कुछ धन लाभ होने के साथ ही प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ भी हो सकता है। साथ ही आप अपने नेटवर्क सर्कल का यूज करके भी धन कमाने की कोशिश करेंगे। इन 3 दिनों में आपका ध्यान ज्यादा से ज्यादा अपने लाभ पर रहेगा, धन पर रहेगा, तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा बीतेगा। इसके बाद की अगर बात की जाए तो चंद्रमा आपके लिए अंतिम 6 और 7 2 दिन के लिए 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 6th हाउस में चंद्रमा का ये ट्रांजिट कुछ हेल्थ संबंधी समस्याएं लेकर आ सकता है, कुछ लड़ाई झगड़े होना, वाद विवाद होना, शत्रुओं द्वारा आपको परेशान किया जाना, आप अपने डेली वर्क रूटीन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे और कुछ नया करना चाहेंगे लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। इस समय में आपकी हेल्थ खराब रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका गिरा हुआ रहेगा। चंद्रमा यहाँ से 12वें भाव को देखेंगे तो आपका फालतू का खर्चा हो सकता है या आपकी हेल्थ की वजह से आपका खर्चा हो सकता है, आपको बुरे सपने आ सकते हैं, आप रात को सोते समय डर सकते हैं, तो ये समय आपके लिए कुछ इस प्रकार का रहेगा। अनिद्रा की समस्या आपको निश्चित रूप से होगी। तो इस समय में आप किसी को उधार पैसा देते हैं या किसी से उधार लेते हैं तो ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो इस राशिफल में इतना ही। अगर बात करें आपके लिए शुभ अंक और रंग की तो आपके लिए इस वीक में शुभ अंक रहेगा 1 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा ब्लू यानी नीला। तो फिलहाल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।